अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सीरियलाइजेबिलिटी। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सीरियलाइजेबल शेड्यूल। सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स कौन से होते हैं? जो होते हैं वो नॉन सीरियल शेड्यूल्स होते हैं, जिनमें ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस को हम मिक्स कर देते हैं एक दूसरे के साथ, और ये जो आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं वो सेम प्रोड्यूस करते हैं एज सीरियल शेड्यूल। अगर इन ट्रांजेक्शन टी वन टी टू को सीरियली एग्जीक्यूट करवाया जाता पहले टी वन फिर टी टू, तो उससे अगर जो आउटपुट मिलता है इन दोनों का सेम मिल रहा है, तो जो ये नॉन सीरियल शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है। अब हम कैसे चेक करेंगे कि जो नॉन सीरियल शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं? क्योंकि एक शेड्यूल जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स बन सकते हैं। मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था एक वीडियो में कि नंबर ऑफ नॉन सीरियल शेड्यूल्स कितने होते हैं, तो मल्टीपल नॉन सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। तो क्या हम हर एक नॉन सीरियल शेड्यूल बना के फिर चेक करेंगे क्या वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं है? ऐसा करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू हम बता सकें किसी भी गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल को देख के कि ये शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं है? ठीक है, क्योंकि एक शेड्यूल के करस्पॉन्डिंग जिसमें मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स हो सकते हैं। तो उन नॉन सीरियल सपोज 10 हो सकते हैं, तो इन 10 में से कौन सा वो नॉन सीरियल शेड्यूल है जो सीरियलाइजेबल है, यानी जो सेम आउटपुट प्रोड्यूस करेगा सीरियल शेड्यूल की तरह? ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। सीरियलाइजेबिलिटी इज ए कंसेप्ट दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई विच नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर करेक्ट एंड विल मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। बिकॉज ऑल नॉन सीरियल शेड्यूल्स आर नॉट करेक्ट, सम मे लीड टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। तो सीरियलाइजेबिलिटी क्या एक कंसेप्ट है जो हमें हेल्प करती है ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है, वो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि सारे जो नॉन सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो करेक्ट नहीं होते हैं, कुछ करेक्ट होते हैं जो हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं, और कुछ जो होते हैं हमारे डेटा को इनकंसिस्टेंट स्टेट पे ले आते हैं। कौन सा नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो हमारे डेटाबेस की कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखेगा यानी सीरियलाइजेबल होगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सीरियलाइजेबिलिटी का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो सीरियलाइजेबिलिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और एक होती है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। यानी एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि जो गिवन शेड्यूल है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं। और दूसरा मेथड क्या है, व्यू सीरियलाइजेबिलिटी के थ्रू हम बताते हैं कि गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल है कि नहीं है। तो पहले इस वीडियो में हम देख रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। इफ ए गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग इट्स नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस, देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, पहले उसके लिए हमें पता होना चाहिए कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से होते हैं और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से होते हैं, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कौन से होते हैं। टू ऑपरेशंस आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्टिंग इफ बोथ ऑपरेशंस बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, परफॉर्म्ड ऑपरेशंस ऑन द सेम डेटा आइटम एंड एटलीस्ट वन ऑफ द टू ऑपरेशन इज ए राइट ऑपरेशन। तो कब कहेंगे कि दो ऑपरेशंस जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि दोनों ऑपरेशंस जो हैं वो अलग अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं। सपोज ऑपरेशन वन बिलोंग कर रहा है टी वन से और ऑपरेशन टू बिलोंग कर रहा है टी टू ट्रांजेक्शन से, और दोनों ही जो हैं सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रहे हैं, और उनमें से एक ऑपरेशन क्या है, क्योंकि ऑपरेशन या तो रीड हो सकता है या राइट, अगर इन दोनों ऑपरेशन में से एक भी अगर राइट ऑपरेशन हो जाता है इस डेटा आइटम पे, वो अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये दोनों ऑपरेशन आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये हमें नॉन सीरियल शेड्यूल दिया हुआ, इसमें से राइट ए और रीड ए आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग है। क्यों? क्योंकि राइट ए बिलोंग कर रहा है टी वन ट्रांजेक्शन से और रीड ए जो है बिलोंग कर रहा है टी टू ट्रांजेक्शन से, यानी दोनों डिफरेंट ट्रांजेक्शन से बिलोंग कर रहे हैं, और उनमें से एक ऑपरेशन, और दोनों ही क्या कर रहे हैं, सेम डेटा आइटम ए पे वर्क कर रहे हैं, और उनमें से एक जो है वो राइट ऑपरेशन है। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में जो ऑपरेशंस हैं क्या हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं।
यह राइट ए ऑपरेशन ऑफ टी वन कॉन्फ्लिक्ट विथ रीड ए ऑपरेशन ऑफ टी टू बिकॉज बोथ ऑपरेशन आर एक्सेसिंग द सेम डेटा आइटम ए एंड वन ऑफ दिस ऑपरेशन इज द राइट ऑपरेशन. ठीक है, और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन से होते हैं? टू ऑपरेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शन इन ए शेड्यूल, बोथ आर रीड ऑपरेशन और बोथ ऑफ देम एक्सेसिंग डिफरेंट डेटा आइटम्स. नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कब होंगे? जब वो रीड ऑपरेशन सिर्फ परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, जैसे टी वन भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ए पे और टी टू भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ए पे, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है क्योंकि रीड करने से कोई चेंजेस नहीं आते हैं डेटाबेस में. या फिर दोनों ही ट्रांजेक्शन के अंदर जो ऑपरेशन है वो जैसे रीड ए कर रहा है ये और ये राइट बी कर रहा है, तो ये रीड राइट है पर दोनों ही डिफरेंट डेटा आइटम्स पे वर्क कर रहे हैं, इसीलिए भी ये क्या होंगे? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस होंगे. अब हम समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है. तो इफ ए गिवन नॉन सीरियल शेड्यूल कैन बी कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल बाय स्वैपिंग इट्स नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल. अगर हम किसी नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, इसके अंदर जो भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं अगर उनको स्वैप करके हम किसी तरह से इसको सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पाते हैं तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये शेड्यूल क्या है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है. यहाँ पर कौन से ऑपरेशंस को हम सिर्फ स्वैप करें? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को. कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं. तो व्हाइल स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस कैन नॉट बी चेंज्ड बिकॉज इफ दे आर अप्लाइड इन डिफरेंट ऑर्डर दे कैन हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द डेटाबेस और ऑन द अदर ट्रांजेक्शन इन द शेड्यूल. तो अगर आप कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का ऑर्डर चेंज कर देते हो तो उस केस में क्या होगा? वो डेटाबेस की वैल्यूज को भी चेंज कर देगा, यानी डेटाबेस को भी अफेक्ट करेगा और जो दूसरे ट्रांजेक्शन्स हैं शेड्यूल के अंदर उनको भी अफेक्ट करेगा अगर वो सेम डेटा आइटम को यूज़ कर रहे होंगे. तो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस को कभी भी हम स्वैप नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जो ऑपरेशन हैं उनको स्वैप करके नॉन सीरियल शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. अगर हम इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल है. तो टू टेस्ट दी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी ऑफ इस शेड्यूल वी नीड टू नो दी कंसेप्ट ऑफ प्रेसिडेंस ग्राफ. तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी शेड्यूल की चेक करना चाहते हो तो हमें एक प्रेसिडेंस ग्राफ का कंसेप्ट पता होना चाहिए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.